ये देखो मेरा हथियार, जो भी सब्सक्राइब नहीं करेगा तो ये उसको लगने वाला है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये लास्ट टाइम मेरा गाड़ी में यहाँ रह गया था तो मैंने इसको बंधवा लिया है और घर जाके मैं इसको निकाल दूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है वो एक चाय से हुई है और काफ़ी अच्छी बनाई थी मैंने, नो डाउट। कर लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत कुकिंग। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और जो सब्सक्राइबर है मेरे इतनी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं और जो आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं ना, बहुत दिल को छू रहे हैं, दिल को। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे तो मैं दुआ करता हूँ ऐसी, और आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस के लिए और थोड़ा सा इसको रगड़ने के लिए, धुलवाने के लिए। तो बाइक की सर्विस आ चुकी है बिल्कुल जी, हर राइड से पहले इसकी एक सर्विस ऑलमोस्ट हो ही जाती है। अभी जो राइड रहेगी वो हमारी राइड है धर्मशाला मैकलोडगंज। तो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं राइड पे निकल चुका होऊंगा या निकलने वाला होऊंगा। सो मैं पहले से इसको शेड्यूल पे लगाऊंगा ताकि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। तो मैं जो भी पहले मैं राइड करता हूँ तो उससे पहले मैं अपनी बाइक को पूरा टेस्ट करता हूँ कि मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आई एम सोलो राइडर, मैं सोलो राइड करता हूँ। तो बाइक में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए तो मैं अकेला कैसे उसको हैंडल करूँगा, तो उससे पहले मैं अपनी बाइक को पूरा पिंच मिंच कर लेता हूँ ताकि ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो, और होगा तो यार वो भी देखा जाएगा, भगवान साथ में है, आप लोगों का प्यार है। अभी सबसे पहले बाइक की सर्विस कराते हैं और आई होप गोप्रो में आवाज़ ठीक आ रही होगी। सब चीज़ों की टेस्टिंग हो जाती है कि आवाज़ वगैरह सही आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी राइड थी नैनीताल की, तो ये नैनी लेक में मैंने नीचे डाल दिया था पानी में, तो साइड में जो इसका लगता है वो मैंने बंद नहीं करा था, एक ढक्कन सा, तो बट उस टाइम पे तो आवाज़ आ रही थी, तो आज भी आ रही होगी। बाकी जब एडिटिंग करूँगा तब पता चलेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि 9:12 हो गए हैं। मेरी एंट्री तो हो ही जाती है बट फिर भी टाइम पे पहुंचना चाहिए, लोग बाग मेरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं वहाँ पे। और आज डिस्काउंटेड वाली जो सर्विस रहने वाली है वो होएगी आज मेरे लिए, डिस्काउंट मिलेगा मेरे को सर्विस पे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था मेरी बाइक की ऑलमोस्ट जो 3 सर्विस होती है वो कम्प्लीट हो चुकी है, ये 4 या 5 सर्विस मेरी बाइक की हो रही है। तो ये सर्विस भी उन लोगों ने, उनका प्यार है कि उन लोगों ने मेरे को बोला कि आपकी जो नेक्स्ट सर्विस रहेगी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो सिर्फ जो चीज़ें लगने वाली हैं बाइक के अंदर उनका मेरे को पैसा देना पड़ेगा, लेबर चार्ज कुछ नहीं लगेगा। तो थैंक यू बजाज, सोनीपत का जो बजाज है, थैंक यू सो मच। तो ये जो ब्लैक चीता है इसको भगाने की जो तलब है वो मेरे अंदर हमेशा रहती है, बट मैं सेफली राइड करता हूँ हमेशा। ओके ओके मैडम जी, रास्ता दे दो। कभी कभी ऐसी राइड कर लेता हूँ मैं, जिग जैग करने में मज़ा भी आता है बट सेफली जिग जैग करो। ओए होए बॉस, जैसा कि मैंने आपको पिछली राइड में बताया था कि ये बाइक जब राइड करके आई है तब से खड़ी ही है, इसको मैं एक बार सिर्फ अपनी जिम में लेके गया था क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत लग रही थी मेरे को, मैंने सोचा क्यों ना यार बाइक पे मैं जिम में जाऊं, तो या तो फिर मैंने आज इसको निकाला या फिर जो मेरी राइड थी लास्ट उसमें मैंने बाइक को निकाला था।
पहुंच ही गए बस। ये लो जी, अब देखते हैं हमारा कैसा इंट्रो रहता है। कैसे हो? ठीक हो? तो सर्विस अभी किसी की नहीं लगी है, आई थिंक दूसरा तीसरा नंबर ही आएगा मेरे को मेरी बाइक का, तो पता करते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, बाइक की सर्विस बहुत ही अच्छी हुई है अब की बार, क्योंकि जो चैन के आगे जो कवर होता है उसमें बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो गया था, और मैं जब भी अपना चैन ल्यूब या चैन क्लीन करता था मैं अपनी राइड पे, तो मेरे को जब जाके ध्यान आता था, मेरे को कभी भी सर्विस के टाइम पे ध्यान नहीं आता था। तो भाई ने, मेरे को आज भी ध्यान नहीं था, लेकिन भाई ने वो सब चीज़ें अपने भी ही पहले क्लीन कर दी पूरी। सो काफ़ी अच्छे से हुई है आज बाइक की सर्विस, और चैन तो पूछो ही मत, ऐसे क्लीन करा है ना भैया ने, मज़ा आ गया भाई। तो सोनीपत में भी दिल्ली जैसा ट्रैफिक रहने लग गया है, आप लोग देख ही रहे हो, हार्ड कोर ट्रैफिक रहता है यार, हर जगह ट्रैफिक, गाड़ियाँ इतनी शहर में हो गई हैं कि बंदा बाइक पे चल के तो खुश ही नहीं है। हम जैसे बंदे बाइक पे चलते हैं ना, हम जैसे राइडर, हाय बाप रे, गर्मी का कहर अभी से इतना है। कांग्रेस कांग्रेस मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही रात को मैंने 2000 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए अपने, और थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है, खासकर जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कि मैं जो आप लोगों को मेरा फेस दिखता है, तो मेरे पीछे बहुत सारे हाथ हैं मेरे को चलाने वाले। तो थैंक यू फॉर RRD टीम जो मेरे को पूरा सपोर्ट करती है हर टाइप से, एवरी टाइम सपोर्ट मी RR टीम, जो रॉयल राइडर की जो टीम है, जो बैक एंड पे पूरा काम करती है, तो वो जो टीम है वो बहुत सॉलिड टीम है, और मैं कभी आप लोगों को उससे मिलवाऊंगा, तो थैंक यू। उनके बिना जो उनका सपोर्ट रहता है तो मैं आज ये सब नहीं कर पाता इस टाइप से और इतनी जल्दी, क्योंकि वो जो गाइड करते हैं लोग मेरे को, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। दूसरा जो मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में, परवेश, ओके फ़ोन आ गया, कोई बात नहीं हम कट कर देते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे परवेश है, मेरा फ्रेंड है, जो कि बाइकिंग पैसन वहीं से कहीं से निकल के आया, क्योंकि फर्स्ट राइड मैंने उसके साथ करी थी, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं और राइड कर सकता हूँ। तो वो, दूसरा करण, सुमित, इन भाइयों ने मेरे को बहुत हेल्प करी है हर टाइम से, और फैमिली तो सबसे ऊपर है बॉस, क्योंकि जो मेरे फादर हैं उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा है इस चीज़ को लेके। मेरे को चीज़ें लेट पता चलती हैं, वो अपने फ़ोन में हमेशा चेक करते रहते हैं कि यार हाँ अब मेरे बच्चे के इतने सब्सक्राइबर हो गए, अब मेरे बच्चे के इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो वो जो एक खुशी है वो पापा के चेहरे पे कहीं ना कहीं दिखती है, पूरी फैमिली पे दिखती है। तो जैसे ही 1 लाख व्यू मेरे चैनल पे हुए, तो सबसे पहले पापा ने आके मुझे बताया कि यार 1 लाख व्यू हो गए तो मेरी पार्टी कहाँ है। तो मैंने तो उस टाइम पर देखा नहीं, तो जब देखा तो यार सच में 1 लाख व्यू हो जाएंगे। तो थैंक यू मेरी फैमिली जो इतना सपोर्ट मेरे को करती है, उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं आ सकता था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाइक को धुलवाने के लिए,
तो मैं आया हुआ हूँ अपनी बाइक की यहाँ पे वॉशिंग करवाने, तो देखो कि बाइक की वॉशिंग कैसे होती है। कुछ ऐसी लग रही है आगे से, बाइक का कलर मैच हो गया अलो व्हील से, और ये तो पहले से था, ये मैंने टेपिंग करवाई यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर की, और बाइक के पीछे नाम हो गया है रेडियम में, जो रात को भी चमकने वाला है। सो अभी निकलता हूँ मैं घर की तरफ और वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, वीडियो को देखो और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, और देखते रहिए आप मेरे चैनल को ऐसे ही, और आप लोगों का प्यार बना रहा। तो बहुत सारी अभी वीडियो आने वाली है धड़ाधड़, और जो राइड रहने वाली है ये एकदम ब्लास्टिंग वाली राइड रहने वाली है, क्योंकि मैं इसको खुद प्लान कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ में कि कहाँ कहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूम सकता हूँ। सो रेडी हो जाओ आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए, धमाकेदार वीडियो होने वाली है। सो बाय।